नमस्कार। वेलकम। सो वेलकम फोक्स, वेलकम टू दिस कन्वर्सेशन दैट वी वांट टू हैव विद वन ऑफ द मोस्ट इनक्रेडिबल फ्लॉटिस्ट्स दैट द वर्ल्ड हैज सीन, पंडित रूपक कुलकर्णी। ही विल डेफिनेटली बी जॉइनिंग अस इन शॉर्ट वाइल। So there he is, just joined in. Let's invite him. Hello, hello Nidesh ji. I hope he joins in. Sent him a request. Siddhesh, namaskar. Namaskar. Namaskar, Rupak ji. आप कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ। You're looking absolutely fabulous. Thank you so much. When I see young Smritis, young people like you, I get, you know, very much pumping. I get, I feel so nice to be with you. I am already nervous. This is my dream conversation. I cannot say that you are nervous, because I'm not feeling that you are nervous from your face. I am just happy. I am हाथ कांप रहे हैं आप देखोगे तो आई एम एक्चुअली एक्सट्रीमली हैप्पी। आई एम एक्साइटेड, आई एम हैप्पी बिकॉज दिस इज अ ड्रीम कन्वर्सेशन। दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू हैव, एंड आई ऑनेस्टली थैंक चैतन्य फॉर दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी दैट ही इज गिवन मी। तो बिफोर वी स्टार्ट, आई हैव टू डू दिस फॉर्मेलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग यू, इवन दो द होल वर्ल्ड नोज यू। सो आपको, आप मुझे ये पढ़ना है आपके बारे में। सो फॉर ऑल माय व्यूअर्स, दिस इज पंडित रूपक कुलकर्णी फॉर यू। ही इज अ चाइल्ड प्रोडिजी। ही स्टार्टेड लर्निंग अंडर द ट्यूटलेज ऑफ हिज फादर पंडित मल्हार राव कुलकर्णी, एंड उनके पास सीखने के बाद एट द टेंडर एज ऑफ 9 ही स्टार्टेड लर्निंग अंडर द मास्टरो हिमसेल्फ पद्म विभूषण श्री पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी। एंड नॉट ओनली दैट, ही इज अ टॉप ग्रेड AIR आर्टिस्ट। He is an outstanding grade artist by the ICCR, and he is performed in festivals all over the world. Aap darbar bolo, aap open festivals bolo, like from the local to the most international festivals, he's been there. And right now he is heading the department of flute at the Chinmaya Nadabindu University, and he's helping young flautists like me achieve their dreams. क्लासिकल से लेके वर्ल्ड म्यूजिक तक, फ्यूजन बोलो, लाइक यू नेम द जॉनर, ही हैज समथिंग टू कंट्रीब्यूट इन दैट, एंड वी आर डेफिनेटली गोइंग टू बी डिस्कसिंग ऑल दीज जॉनर्स इन टुडे सेशन। एंड नॉट ओनली दैट, अवार्ड्स बोलो, एक्विलेट्स बोलो, वो तो इनके नाम पे मतलब इतने सारे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज, ये इनको जो अवार्ड्स दिए गए, ये उन अवार्ड्स की शोभा बढ़ाते हैं। एंड इंडियन क्लासिकल बोलो, स्पिरिचुअल बोलो, डिवोशनल बोलो, वर्ल्ड म्यूजिक बोलो, और जस्ट होलिस्टिक वेलबींग के लिए बोलिए, ही हैज ऑलवेज समथिंग टू कंट्रीब्यूट देयर, एंड ही हैज इन्यूमरेबल एल्बम्स टू हिज नेम्स। बट इनका अगर हम खासियत बोलें तो वो एक उनकी ऑडियंस को एक अलग लेवल पर, एक अलग स्टेट पर लेकर जाते हैं, एंड आई हैव बीन लकी इनफ टू विटनेस दिस लाइव। सो एज अ फैन बॉय मोमेंट मुझे बोलना है कि I was just learning at that time. This was, I think, 2009 or something. मैंने just चालू किया था, और बांसुरी उत्सव, this was the second बांसुरी उत्सव that happened in सहयोग मंदिर, और आपने आके एक डेढ़ घंटे का आभोगी बजाया था, मत्ताल का बंदिश था, and I got that recording, and I have been practicing आभोगी listening to you ever since.
या आई डू हैव द आई लुक रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड टू मी आवर्ट मिशन मैं कैसे बजाता था डेफिनेटली 12 साल पहले. सर. सो नाउ एज वी स्टार्ट द कन्वर्सेशन, द फर्स्ट थिंग इज लाइक पीपल लाइक मी, वी हैवंट बीन लकी इनफ टू लर्न अंडर द गुरुकुल स्टाइल. और आप डेफिनेटली गुरुकुल में सीखे हो, तो कुड यू प्लीज इलैबोरेट अबाउट दिस इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस. नहीं, मैं भी गुरुकुल में नहीं पढ़ा सीखा हूँ. मैं गुरु जी के पास सीखना शुरू किया मैंने 1981 से. ओ, और गुरु जी का गुरुकुल बना है 2002 में. ओ ओके. सो बट ऑफकोर्स गुरुकुल पद्धति इज अमेजिंग पद्धति, बिकॉज मैं अभी बता सकता हूँ क्योंकि मैं खुद अभी गुरुकुल में पढ़ाता हूँ. बट जो चिन्मय यूनिवर्सिटी की अभी आपने जिक्र किया, वो बहुत अच्छा एक मिक्स मिक्सचर है गुरुकुल और यूनिवर्सिटी के मध्य बिंदु जो है. कि गुरुकुल में रह के सर्टिफिकेट नहीं मिलता है और यूनिवर्सिटी में सीख के विद्या उतनी नहीं मिलती है जितनी संगीत में मिलनी चाहिए. हाँ, गुरुकुल में प्रैक्टिकल अच्छा होता है और यूनिवर्सिटी में थ्योरी अच्छी होती है. तो ये दोनों का एक बहुत अच्छा सुवर्ण बिंदु, मध्य बिंदु हम कह सकते हैं कि ये चिन्मय यूनिवर्सिटी में रह के अभी 3-4 साल हो गए मैं जब सिखाने जाता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये गुरुकुल पद्धति कैसे होती थी और कैसे हो सकती है. तो ये बहुत अच्छा मौका है अभी के जनरेशन को कि जिनको मास्टर्स करना है ग्रेजुएशन के बाद, किसी भी ग्रेजुएशन में कोई भी ग्रेजुएशन करने के बाद, वो वहाँ आके पढ़ सकते हैं. क्योंकि गुरुकुल पद्धति से यूनिवर्सिटी के हिसाब से सर्टिफिकेट पाना एक बहुत बड़ी बात है. क्योंकि मैंने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज देखे थे, बहुत नामी यूनिवर्सिटीज है, वहाँ के जो प्रोफेसर भी बन चुके हैं एग्जाम देके, उनको भी मैं सुना हूँ देखा हूँ उनका. तो मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं उसके बारे में. मैं ये चाहता हूँ कि मेरे शिष्य जो गुरुकुल में पढ़ते हो वो सब शिष्य प्रैक्टिकल और थ्योरी में दोनों में अच्छे हों. तो ये क्योंकि थ्योरी भी इतना ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है संगीत का, सिर्फ बचाना ही एस्पेक्ट नहीं होता है. तो थ्योरी भी, राग के बारे में, हमारे पूर्व संगीतकारों के बारे में सब जानना बहुत महत्व रखता है. वाओ. तो गुरुकुल जो होता है मेरे ख्याल से, जो गुरु का जो आचरण सब शिष्यों के साथ रह के जो होता है वो बहुत मायने रखता है. मैंने हालांकि गुरु जी के साथ गुरुकुल में रह के नहीं सीखा, मगर उनके साथ में काफ़ी घुमा हूँ, पूरी दुनिया घूम चुका हूँ उनके साथ. वो एक, मैं कह सकता हूँ, आधुनिक गुरुकुल है, मॉडर्न गुरुकुल. तो उनके साथ मैं मतलब प्रोग्राम में जाता था, घूमना मतलब प्रोग्राम में जाता था. और घूमने तो हम कहीं नहीं जाते थे. मैं बताता हूँ, मैं पेरिस गुरु जी के साथ 7-8 बार गया था. तो मुझे हमेशा गुरु जी कहते थे, देखा आईफोन टावर देख के आए थे, लेकिन नहीं गुरु जी अभी नहीं, बाद में जाएंगे, तो खराबी होगी उसके बाद जाके देख के आएंगे, अभी तो आपके साथ रहना है, आपके पास सीखना है. तो जब मौका रहता था उनके रूम में जाके मैं सीखता था. तो ये भी एक आधुनिक गुरुकुल है, क्योंकि साथ में प्रवास करना, साथ में खाना, साथ में उठना बैठना. कभी कभी हम मतलब ऐसा होता था कि एक सेपरेट रूम नहीं होता था, मैं गुरु जी के साथ ही सोता था जमीन पर उनके एक कमरे में. तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है और बहुत एक अनुभव होता है. जस्ट अ फॉलो अप क्वेश्चन, मतलब ये मुझे बहुत हमेशा से जानना था. मुझे एक हाथ दो मौका मिला है कि दादा गुरु जी के पास के साथ पीछे बैठ कर तानपुरा बजाने की, बट एज अ टीचर हाउ इज ही एज अ टीचर? दो टीचर दो तरह के होते हैं. जैसे माँ एक होती है, मगर माँ का तरीका अगर होता है ना. कोई खाता है तो प्यार से खिलाती है, और कोई नहीं खाता तो मार के खिलाती है. तो गुरु का भी वही महत्व है. अगर जिसको नहीं आता है तो वो समझाते हैं, और जिसको आता है तो समझाने की जरूरत नहीं होती. मतलब गुरु जी का सिखाने का सिस्टम अलग था, वो खुद बजा के दिखाते हैं, क्योंकि वो इतने काबिल प्लेयर है. मतलब उन्होंने बांसुरी को जो आयाम दिया है बजा के, उनकी उनकी जो फूक से, उनके जो बजाने से, तो वो देख के ही हमको ऊर्जा आती है. That's absolutely true. और ये कहना मुश्किल है कि वो कैसे सिखाते हैं, ये कहना चाहिए कि हम कैसे उनसे सीखते हैं. Oh, that's a different perspective. Beautiful, beautiful. मेरे हिसाब से गुरु सिखाता नहीं है, शिष्य सीखता है.
वाओ माँ तो खाना बना देगी, खाना तो शिष्य को ही है ना, मतलब एब्सोल्युटली आई बच्चे मीन के दिस इज अ खाना ब्यूटीफुल खाना है। पर्सपेक्टिव गुरु भी, गुरु के पास बहुत होता है, और जब वो देखता है कि शिष्य की काबिलियत है तो वो उसके हिसाब से अपना अपना वो देते जाता है, वो महसूस करना है। तो वो ऐसे बातों में हम कह नहीं सकते। कभी कभी मुझे गुरु जी के साथ सीखते सीखते ऐसे लगता था जैसे मैं रशिया गया था उनके साथ, 1987 की बात है। तो बाकी भी मेरे गुरु भाई थे, सब घूमने गए थे, और मैं गुरु जी कि तुम घूमने जाओ कि मैं गुरु जी आपके साथ थोड़ा सीखूंगा। तो फिर सुबह 9 से 12 मुझे उन्होंने 3 घंटा दरबारी सिखाया था। वाओ और वो दरबारी मेरे ऐसे दिमाग में जाके बैठ गया, अभी तक बैठा हुआ है वैसे के वैसा। तो कभी कभी हम कहते हैं ना ब्लूटूथ ट्रांसफर होता है, तो वो ट्रू मैंने दैट अनुभव किया है। और उनसे मैं जो भी राग सीखे मेरे इतने अंदर जाके बैठे हैं कि मैं उसको कभी भी कहीं भी कैसे भी बजा सकता हूँ। आई एम तो गुरुकुल स्पीचलेस एट पद्धति दिस का यही होता है कि गुरु सिखाता नहीं है, वे ब्लूटूथ से ट्रांसफर होता है। वाह वाह आई मीन ये दीज एनेक्डोट्स आर सो ब्यूटीफुल ये मेरे काम भी आएंगे ये मैं भी अभी फिलहाल सीख ही रहा हूँ आपसे थैंक यू सो मच एक लेट्स कम टू अ फन क्वेश्चन आपने पहली बार कब परफॉर्म किया था और पहली बार जब आपने परफॉर्म किया था तो उसमें से आपको सीखने क्या मिला था पहले बार मैं जब गुरु जी के पास जाने से पहले मैं एक मेरा सबसे पहला जो प्रोग्राम हुआ था बांसुरी का, 11 साल की उम्र में था और वो बड़ौदा में था। और उस वो 1979 वॉज मतलब चिल्ड्रंस ईयर, बच्चों का ईयर वो मनाया गया था पूरे इंडिया में। ओके तो उस समय हम बच्चों के बहुत मज़े थे, काफ़ी जगह हम प्रोग्राम करने गए थे। तो सबसे पहले हम बड़ौदा गए थे और मेरे पिताजी तबले पे थे मेरे साथ। तो और पहला प्रोग्राम था, बहुत एक्साइटेड भी था, और सी शार्प की बांसुरी भी तब बजाता था तानी एक की। अच्छा छोटी वाली हाँ, तो मैं सोचा कि अभी पापा ने बांसुरी लिया होगा, तो मैं ऐसे बस बैग पैक करके ले गया। फिर जब ट्रेन में बैठा मैं हम लोग, तो पापा ने पूछा कि बांसुरी का है, मैं कि आपने लिया नहीं, वो कहते मैं क्यों लूँ, प्रोग्राम तुम्हारा है। और उस वक्त तो बुकिंग मिलना भी बहुत मुश्किल होता था। हाँ तो तो फिर हम उतरे, फिर हम जाके आ गए, फिर दूसरे गाड़ी से फिर हम दुबेदा पहुंच गए, अनरिजर्व में रहे। फिर उसके बाद मैं कभी भी बांसुरी नहीं भूला। ये सीख है कि बांसुरी हमेशा हुक्म में तो रहना ही चाहिए, हाथ में भी रहना चाहिए और दिमाग में भी रहना चाहिए। हाँ मतलब ये एक तरीका है जो आई थिंक ये फादर्स के सिखाने का तरीका होता है इंडिपेंडेंट करने का शायद हर फादर ने अपने बेटे के साथ एक बार ये किया ही होगा हाँ अब मेरा भी ऐसा ही एक्सपीरियंस है विद रिस्पेक्ट टू माय एकेडमिक्स तो 10वीं का हॉल टिकट भूल गया था हुआ है मेरे साथ बट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप जब दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू आस्क एंड एवरी सिंगल परफॉर्मर हु हैज एवर परफॉर्मड ऑन द स्टेज उनके तरफ से ये क्वेश्चन है कि हम स्टेज पे जाने के पहले बिफोर वी गो ऑन द स्टेज ऐसा कोई मेडिटेटिव रूटीन है या कोई एक्सरसाइजेस है जो हमें करना चाहिए और उस करने से हम हमारी बॉडी रिलैक्स होती है बिकॉज नॉट एवरी वन इज ब्लेस्ड विद माइंड स्टेट ऑफ नो नर्वसनेस हमेशा हाथ कांपते हैं मेरे अभी भी कांपते हैं मैं मुझे परफॉर्म करने बोले या अभी भी मेरे हाथ ठंडे पड़ते हैं हालांकि चेहरे पे दिखती नहीं है बट शरीर फुल टेम्परेचर डाउन हो जाता है ये अवॉइड करने के लिए ऐसे कुछ है जो आप रिकमेंड कर सकते हैं या और आप खुद करते हैं मैं खुद कुछ नहीं करता, मगर मैंने जितना संगीत मतलब समझा है या अभी तक समझ रहा हूँ, हमारे शास्त्रीय संगीत में ही वो विधि है कि हम अपने आप को कैसे सूट करें। वो ओके इसका एक ही जरिया है कि अलाप, क्योंकि हमारा सा ही मेन होता है। वो सा अगर पहले अच्छे से लग जाए तो आगे सब अच्छा हो जाता है। और हमें ये नहीं वाह देखना है कि साउंड कैसे आ रहा है कैसे जा रहा है, हमको देखने की जरूरत नहीं, वो साउंड पर्सन की उसका काम है। तो हमारे आलाप में इतना मेडिटेशन अपने आप हो जाता है, फिर अपने आप वो रंग हम उसमें राग में और कॉन्सेप्ट में हम उसमें बह जाते हैं। तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ भगवान को सोचना है कि भगवान आप मेरी रक्षा करो,
बस पहला सा मुझे मेरा ठीक से आ जाओ और आखिरी सा, तो ये आना बहुत जरूरी है, जो कि आजकल म्यूजिशियंस नहीं करना चाहते या नहीं जानते हैं। अब मेरा मतलब 15 मिनट भी हमको बजाना, तो 5-6 मिनट का आना तो होना ही चाहिए, तो आपका आधा काम वही आसान हो जाता है कि आप आगे कैसे बजाओगे। फॉलो अप क्वेश्चन टू दिस इज कि बहुत बार होता है कि आई मीन हम छोटे आर्टिस्ट को दैट इज द वन हु आर बडिंग, हमें घंटे भर का स्लॉट बहुत रेयरली मिलता है. सो आवर परफॉर्मेंस टाइम्स आर नॉट मोर देन 15 मिनट्स, मे बी हाफ एन आवर. तो ऐसे टाइम पे हाउ, अभी आला जो आपने कहा कि इफ इफ यू गेट अराउंड एन आवर, तो हम वो डिवाइड कर सकते हैं कि आधा घंटा आलाप करो, 10 मिनट जोड़ करो, 5 मिनट झाला करो, एंड देन गत बजाओ, एंड देन यू कैन गो टू द अति द्रुत और द्रुत लय के तरफ. बट अगर हम कहें कि परफॉर्मेंस टाइम रिड्यूसेस टू 15 मिनट्स, तो उसमें हम कैसे अपने आप को संभालें? 15 मिनट प्लस 6 मिनट तो आलाप हो ही सकता है, अच्छा, मतलब उसमें भी मेन प्रोमिनेंस गिवन टू आलाप. क्योंकि शास्त्रीय संगीत में, या मैं शास्त्रीय संगीत से ज्यादा मैं रागधारी संगीत की बात करूंगा, रागधारी संगीत कहना उचित होगा क्योंकि राग बजाते हैं हम लोग। तो 15 मिनट में 6 मिनट आलाप करेंगे तो आपका राग पूरा ओपन हो जाएगा। एक बार आपने वो आपका कैनवास ओपन हो गया तो आप कहीं भी बाकी 9 मिनट में कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं हमेशा अगेन अ आलाप पे, ब्यूटीफुल एनेक्डोट. मैं हमेशा जोर देता हूँ कि वो बहुत जरूरी है। मैं एक वाकया बताता हूँ। उदयपुर में एक महान एक कुंभा महोत्सव होता है, बहुत फेमस है। तो वहाँ एक दिन में एक ही आर्टिस्ट बता, 3 घंटे का। और मेरे पहले दिन बहुत बड़े शास्त्रीय गायक थे, दोनों बंधु थे, बहुत नाम है, उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं। तो मुझे ऑर्गेनाइजर बोला कि रुपक जी एक रिक्वेस्ट है, कहिए कि आप आराम ज़्यादा मत कीजिए, थोड़ा सा आप मध्य लय द्रुत लय ऐसा कीजिए। मैं 3 घंटा, क्योंकि हाँ, क्योंकि ऑडियंस फिर, नहीं तो कल आधा ऑडियंस आधा पौन घंटे में निकल गया था, अब 3 घंटे कहाँ रह गए। मैं हाँ हाँ क्या ठीक है। और मैंने राग यमन शुरू किया और मैंने 1.25 घंटा आराम जो किया, 1.25 घंटा। वाह, और एक भी आदमी उठा नहीं था। पूरा मेरे ख्याल से 2,000 का वो या 1,500 का कैपेसिटी का ऑडिटोरियम होगा, सब जू की तू बैठे थे। और मैंने विदाउट ब्रेक 3 घंटा बजे। तो ये वाह. अपने ऊपर है कि कैसे देना है। हम ये सोच के प्रेजुडिस माइंड से करेंगे कि नहीं कोई नहीं समझ रहा, तो फिर हम जब आर्टिस्ट खुद ही नहीं एंजॉय कर रहा तो ऑडियंस क्या एंजॉय करेगा। That is an other thing. I'm noting down all this. I'm scribbling it down in my notebook कि ये सब करना है. अब रही बात कि before the performance and आपने तो you've given beautiful lessons for me to take home. But during the performance, जो हम कहते हैं कि एक तो होता है the theory part of it, जहां हमें बजाना है. So that has to be perfect, whatever it is, जिसकी हम रियाज करते हैं. बट जिसकी हम रियाज नहीं करते हैं, दैट इज एस्थेटिक्स, मतलब कैसे प्रेजेंट करना है. और आई हैव बीन फॉलोइंग यू फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम, तो आपकी शक्ल पे जो प्यारी स्माइल रहती है, जो आप एंजॉय करते हो और वो अंदर से आती है, वो तो हर आर्टिस्ट को आना ही चाहिए. बट डिस्पाइट दैट, सम काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द ऑडियंस, हम ऐसे कैसे ऑडियंस को इन्वॉल्व करें थ्रू आर नॉट जस्ट आर फ्लूट बट और कंप्लीट बॉडी. एक्चुअली आँख बंद करने में जो मजा है ना जिंदगी का, आँख हाँ, खुला रखने में नहीं है। सही बात अगर है. हम भी आँख खोल के देखेंगे ऑडियंस को, कौन सुन रहा है, कौन वाह वाह दे रहा है, कौन ऐसे ऐसे करेंगे, तो ऑडियंस भी डर जाते हैं कि हमको देख के हम एंजॉय, मतलब साधना क्या होती है, तब तपस्या क्या करती है, आँख बंद करके होती है। तो एटलीस्ट आलाप में तो मेरी आँख बंद ही रहती है। मतलब मेरे भी हमेशा ऑलमोस्ट ऑलवेज अपने आप बंद हो जाते हैं. मतलब हाँ, सी, दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू आस्क. वो ऑटोमेटिकली अपने बंद अपने होते हैं. आप अपने अंदर जाना है। सो बट देन द ऑडियंस रिएक्शंस नीड नॉट बी डिटरमाइंड. नहीं, उनके यहाँ आपको घुसना है, दिन में घुसना है, उनको यहाँ नहीं घुसना है। यहाँ घुसेंगे तो फिर
आपका पूरा काम हो जाएगा। फिर ऑडियंस को आप देखे नहीं देखे, उस वक्त अली अकबर खान साहब ने कभी गर्दन ऊपर करके देखा है ऑडियंस को, वो हमेशा गर्दन नीचे करके सोच दे जाते थे। तो एक जगह पे गए थे वो, मतलब जरा सा पन जरा मतलब जोक जैसा हो प्लीज। गया। तो खान साहब के पास, खान साहब के पोयम की तरफ समझे बाद एक कोई सज्जन गए, खान साहब को पूछा, अरे खान साहब कहाँ है? तो वो उनके साथ कोई शागिर्द तो कि यही तो खान साहब है, यही खान साहब है। हाँ क्यों? नहीं तो पूरे कॉन्सेप्ट में उनका चेहरा नहीं दिखा मुझे, सिर्फ सर, उनका सर दिख रहा था, नीचे देख के बजा रहा था मैं। उन्होंने पूरी दुनिया जीत ली, वाह। आई मीन दिस इज अगेन क्योंकि हमको खुद को एंजॉय करना है। जब आंखें बंद करेंगे तभी एंजॉय करेंगे, बाकी जब तबले के साथ जब शुरू होता है तो दोस्ती यारी ऐसा होता है, तब एक दूसरे को एंजॉय करके एक दूसरे को बढ़ावा हुआ देखिए, मतलब पूरा होना चाहिए। ये नहीं कि तबला प्लेयर को आज मैं कैसे नीचे दिखाऊं, यानी बहुत होता था, तो अभी जमाना नहीं है ऐसा, सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। तो गुरु जी ने बहुत किया ये, सबके साथ में लेके चलते हो, सब तबला के साथ। रविशंकर जी ने, पंडित रविशंकर जी ने भी यही किया, किसी क्योंकि हमारा कॉन्सर्ट अच्छा होना चाहिए तो सबको साथ में तबला प्लेयर है या हमारे साथ हमारे शिष्य बजा रहे कोई, तो उनके साथ में लेके कर चलना है तो प्रोग्राम अच्छा होगा। हम ये सोच के करें कि इनको आज नीचे दिखाना, तो फिर प्रोग्राम अपना भी खराब होगा, ऑडियंस का भी पूरा मतलब दिमाग खराब हो जाएगा, तबला प्लेयर का भी खराब होगा। तो उनको संगतकार नहीं समझ के दोस्त की तरह से उनसे एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि एंजॉयमेंट दोस्ती में है, शत्रुता में नहीं है। मुझे याद है, आई मीन एज आई वाज ब्राउजिंग सम वीडियोस थ्रू यूट्यूब, आपका एक दादा गुरु जी के साथ एक वीडियो है एंड उसमें रमाकांत पाटिल जी भी हैं एंड दिस इज ऑफ जोग हंसद ध्वनि पहाड़ी, वो वाला एल्बम है। तो आई एम प्रिटी श्योर उसका आपको यू वुड बी हैविंग दैट एक्सपीरियंस इन योर माइंड स्टिल। आप उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? 1989 की सीरीज का वो वीडियो था, नाना के हॉस्पिटल के नीचे बेसमेंट में एक स्टूडियो है, वहाँ रिकॉर्ड हुआ था। तो सुबह ऐसे फोन किया कि बेटा आ जाओ, आज एक छोटा सा रिकॉर्डिंग वीडियो है, तो एक कुर्ता लेके आना बस। फिर मैं गया, फिर जब ग्रीन रूम में सब बात कर रहे थे, तो गुरु जी ने कि बताओ आज क्या बजाए, तो रमाकांत जी भी थे और शायद मेरे पिताजी भी आए हुए थे, और सब बोले कि ये राग बजाए गुरु जी, ये राग। तो गुरु जी बोले कि नहीं, रूपक का राग का सेंस अच्छा है, रूपक बताओ क्या बजाए आज। तो जो जो हंसत में पाएगी वो मेरा चॉइस था, वो तो वो गुरु जी ने बजाया। एंड थैंक यू सो मच, बिकॉज वो चॉइस की वजह से हमें वो अप्रतिम रिकॉर्डिंग मिला है। एंड टू टू डेट वो जोग हंसे ध्वनि अभी भी मैं उसी उसी को वो सुन के बहुत सीख रहा हूँ बहुत अभी भी। अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग उसमें आपका और रमाकांत जी का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन है। यू गाइज हैव मतलब वो परफॉर्मेंस को आपने जिस तरीके से लिफ्ट किया है, आई मीन इनक्रेडिबल। जो जो आपने कहा, जो आई कुड विजुअलाइज दैट इन दैट शो, जो आपने कहा कि गुरुजी सबको साथ में लेकर चलते हैं, तो हाँ। वो मुझे वो परफॉर्मेंस में आई कुड रियली विजुअलाइज दैट एज सून एज यू और भी सेड एक बात दैट। मुझे याद है अभी, और मुझे थोड़ा गुरुजी से दूर बिखाया था वो वीडियो में, हाँ रमाकांत जी साथ में थे, तो मैं जब उनके साथ जाके बैठे तो कैमरा मैन बोला कि नहीं आप यहाँ आके बैठे, मैंने बोला कि इतना दूर गुरु जी क्या इतना दूर मैं कैसे? तो अरे बच्चा है साथ में बैठे, नहीं वो विजुअल थोड़ा वो होना चाहिए, क्योंकि वो पहला ही कैसे वीडियो कैसे करे, वो वीडियो था उसके पहले वीडियो हाँ कैसे परफॉर्मेंस में किसी का नहीं था, तो ऐसा। टी सीरीज में वो किया था, अनुराधा पौडवाल जी भी उसमें थी, आई थी। तो गुरु जी ने कि अरे बच्चा है साथ में बैठने दो, नहीं, वो विजुअली अच्छा दिख रहा है ये वो है। फिर मैं बहुत नर्वस था, नाराज, मतलब बहुत दुख हुआ था मुझे कि इतना दूर तक कभी बैठा नहीं था गुरु जी स्टेज पे भी, और वैसे भी हाँ तो बैठा था, फिर भी मैं मेरा एकदम दिमाग में आया था कि अभी ऐसा बुझाऊंगा बस। नहीं, बट आपके शक्ल पे जो एक प्यारा सा एक्सप्रेशन आता है जब आपको गुरुजी इंट्रोड्यूस करते हैं एज ये प्यारा सा बच्चा यहाँ जो बैठा है, और उसके और इमिडिएटली द कैमरा कम्स टू यू एंड यू हैव दिस एक एक स्वीट सा एक्सप्रेशन है आपके शक्ल पे, और मतलब दैट इज दैट आई थिंक दैट इज दैट ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटफुलनेस दैट इज कमिंग आउट इन दैट एक्सप्रेशन। नहीं तो वो एंड हमेशा उसके कहते थे कि मेरा छोटा बच्चा है, ये हमेशा बोलते थे।
और जब भी उनके साथ जाता था फ्लाइट में, उस वक्त एयर इंडिया ही ज़्यादा थी, तो जब भी उनको बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास में वो जाते तो मुझे भी साथ में अपने साथ बिठाते थे। हालांकि मेरा टिकट इकोनॉमी का होता था, मगर वहाँ जो मैनेजर रहता या पायलट या कोई भी रहता था, कि मेरा छोटा बच्चा है वो अकेला कैसे बैठेगा इकोनॉमी में, उसको मेरे साथ ले जाता। तो हाँ, कि उनके साथ में बिजनेस क्लास में भी गया, फर्स्ट क्लास में भी गया। So now I'm coming to a slightly more technical question. एक जब हम practice करते हैं as flautists, what would be the best raga? मतलब एक ऐसा एक राग जिसमें हम परिपूर्ण सब चीजें हम practice कर पाए, जिससे हमारे हाथ fingering techniques बोलिए या blowing techniques बोलिए, या अब हम कहें कि तान oriented, fast phrases oriented, या जो झाला के तत्कार के प्रकार हैं वो सब सब एक राग में अगर मुझे एनकम्पास करना हो, तो ऐसा एक राग जो हम हमें रगड़ना चाहिए। हमारे संस्कृत में सदा सोहागन का बहुत महत्व है। भैरवी किसी भी, हाँ, सदा सोहागन की, सदा सोहागन रहो किसी भी। तो भैरवी मेरे हिसाब से सबके सब जितने भी संगीत में श्रुतियाँ हैं, हमको तो 22 ही पता है, मगर उससे ज़्यादा भी है ऑफकोर्स, तो सब श्रुतियाँ भैरवी में है। उसका मतलब सब राग उसमें आ गए। ओह, तो ब्यूटीफुल। बांसुरी वादक को मैं यही करूँगा कि भैरवी के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। आई हैव समहाउ बीन अवॉइडिंग भैरवी फॉर सो लॉन्ग, क्योंकि अभी भी हाथ घूमते नहीं है, 15 साल हो गए। नहीं, तो बहुत गलत धारणा थी। आपको शुरुआत भैरवी से कर सकते थे। जरूर, अभी आज से आपने कह दिया तो जरूर मैं भैरवी पे बहुत ज्यादा गौर करूंगा। एंड नाउ दैट द राग हैज बीन फिक्स्ड, ऐसे कोई स्पेसिफिक पैटर्न? अभी आई एम एन ऑफिस गोअर, अनफॉर्चुनेटली आई आई डोंट गेट द काइंड ऑफ टाइम आई यूज्ड टू गेट एज आई वाज लर्निंग एंड आई वाज स्टडिंग। पहले 8-8 घंटे मिलते थे, 12-12 घंटे रियाज के मिलते थे, अब मुश्किल से 2 या 3 घंटे निकाल पाते हैं हम रियाज काफी के। तो ये 2-3 घंटे में सबसे ज्यादा अगर मुझे यूटिलाइज करना हो, तो मैं उसे किस तरीके से यूटिलाइज करूं? मतलब हाउ कैन आई सेपरेट दिस? जैसे मैं अलंकार को इतना वक्त दूं, या अलंकार को वक्त देने की जरूरत ही नहीं है। आगे अच्छा, आगे बोलिए, उसके बाद अलंकार ओके, देन हाउ अबाउट ताल में प्रैक्टिस? ताल में गत की प्रैक्टिस, हमें गत कितनी वक्त बजाना चाहिए? सेकंड इज आलाप, तो आपने कह दिया है कि आलाप का महत्व सबसे ज्यादा है, तो आई आई एम प्रिज्यूमिंग वो 3 घंटा जो मुझे मिलता है उसमें से 1-1.5 घंटा तो मैं आलाप के लिए दे दूंगा, 2 घंटा 2 घंटा। सो बचे हुए 1 घंटे में मुझे किस तरीके से अपने आप को प्रैक्टिस करने का प्रोत्साहन करना चाहिए? बचे हुए 1 घंटे में आपको जो भी राग करना है, 2 घंटा तो आपका भैरवी का आलाप हो गया। उसमें जो भी आप थोड़ा कर सकते हो, आपका रिदम पार्ट भी थोड़ा सा पक्का हो जाएगा। जो एक ऐसे ऐसा पार्ट है जिसमें राग भी पक्का हो जाता है और रिदम भी अपने आप पक्का हो जाता है, जोड़ क्योंकि विदाउट मेट्रोनोम विदाउट तबला हम बजा रहे, तो जो हिसाब है वो हमारे दिमाग पक्का रहता है। वो भी बहुत ज़रूरी बात है। उसके बाद जो हमको राग करना है, समझिए यमन यमन करना है या मधुवंती करना है या भैरव करना है, तो उसमें हम जो अलंकार के बदले पैटर्न्स खुद तैयार करना है, क्योंकि हमको स्केच पे राग ही बजाना है, अलंकार नहीं बजाना है। अच्छा, ओके, तो वो राग के अलंकार खुद को बनाना है, या भिमकनास हो गया जो, या छोटे वक्र राग है, भैरवी वक्र राग हो गया, है ना, भिमकनास हो गया, वो संपूर्ण हो गया। तो वो पैटर्न हमको बनाना है, उसको प्रैक्टिस करना है। अब जोड़ की आपने बात की कि थोड़ी बहुत जोड़ बजानी चाहिए, और जोड़ का जो चार चार मात्रे का खंड है वो अपने हर मात्रा अपने में एक खंड हो जाता है आगे। जोड़ के इसमें जो हम जाति जो हम कहते हैं तिश्र मिश्र चतुस्र और खंड, तो इसमें इलेबोरेशन हम कैसे करें? मतलब ये बहुत स्पेसिफिक मेरे लिए क्वेश्चन है, तो आप इफ यू कैन। मैं
मेरे ख्याल से पिछला मतलब दुगुन तिगुन चौगुन काफी हो गए, पांच गुन भी है छह गुन भी है, हाँ मतलब एक मात्रा में चार मात्रा पांच मात्रा, उसके बाद चार मात्रा में पांच मात्रा, वो अपने आप आ जाएगा। वो मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो एज कर्नाटिक में सीखता हूँ थोड़ी बहुत आ जाती है, बट जब हिंदुस्तानी इस स्टाइल में जो हमारा हिंदुस्तानी नॉर्थ का स्टाइल है उसमें अडेप्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है इन जातियों को। जबकि हरिजी को जितना भी मैंने सुना है उन्होंने तिश्र इस जाति को बहुत बहुत उनका बहुत प्रिय जाति है, तो वो उसमें बहुत नहीं खेलते प्रिय हैं। नहीं कैसा, उन्होंने बहुत सोचा है, मेरे हिसाब से उनसे ज्यादा बासिल को किसी ने समझा नहीं है, जितना गुरु डेफिनेटली ने समझा है उनसे ज्यादा मुझे लगता है ना कि मतलब ऑफकोर्स पन्ना बाबू तो जनक है बासिल के, पायनियर है, और उनके साथ साथ गुरु जी ने जितना बासिल को समझा है, पन्ना बाबू ने तो बहुत समझा था, और गुरु जी ने समझा है बांसुरी की रात के लेके, बांसुरी में लयकर कितनी हो सकती है, क्योंकि तो मैंने जितना कोशिश किया मुझे लगता है कि बांसुरी में हम कितने भी मुश्किल लयकर ही गए वो आसान लगती है सुनने में, तो उसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, तिश्र दुगु या तिश्र चतुश्र खंड ये सब नहीं देना चाहिए ध्यान, क्योंकि फिर सुर से अलग हो जाते हैं। अच्छा ओके वो पार्ट मेक बहुत सेंस, मतलब डेफिनेटली एक मेक घंटे में सेंस। वो 30 सेकंड का पार्ट होगा वो, हाँ डेफिनेटली है ना, तो उसमें ज्यादा हमको माथा नहीं खराब करना है, हमको माथा खराब करना है कि राग का स्वरूप कैसे कायम रहे, तो राग का स्वरूप कायम रहेगा तो राग अपने आप ऑडियंस तक पहुंच जाएगा, तो इस ओके सब मामले में मैं ज्यादा नहीं ध्यान देता हूँ, जितना बजेगा हम मतलब कूदना है उसमें, फिर तबला साथ में तो कूदना है, अपने आप खंड के वो सब ऑडियंस सोच रहे क्या बजा रहे। ओके अभी आई एम गोइंग टू अ वेरी डिफरेंट टॉपिक एंड समथिंग जो दादा गुरुजी ने बहुत किया है, एंड थैंक्स टू हिम वी हैव सम रियली रेयर रागस दैट आर नॉट ऑफ प्लेड ऑफन, जैसे वाचस्पति, हेमावती, लतांगी, जो ये मलय मारुतम, ये जो टेक्निकली जो हम कहते हैं कि साउथ के राग हैं बट हैं नहीं, जो हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत का ही प्रकार है और नहीं उसी ये में साउथ आता के है। राग है, ये साउथ के राग है, हमने अडॉप्ट किया उसे। अच्छा सो आई एम कमिंग टू द टॉपिक ऑफ मेलकर्ता रागस, जो हम 72 थाट जो हम कहते हैं शारंगदेव जी के, सो उसमें से हमने बहुत सारे राग जैसे है अडेप्ट किए हैं, जैसे चारुकेशी बोलिए, किरवाणी बोलिए, वाचस्पति, हेमावती एंड लतांगी, बट देर आर अ लॉट ऑफ रागस जो जनसम्मोहिनी कलावती जनसम्मोहिनी, बट देर आर अ लॉट ऑफ रागस जो हमने अडेप्ट नहीं किए, जो फॉर एग्जाम्पल बैठते नहीं है इन दी रूल्स ऑफ रागस हिंदुस्तानी म्यूजिक, यस। तो उन रागों पे एक्सपेरिमेंट आपने कभी करने की कोशिश की है और आप करना चाहे हैं? नहीं क्योंकि जैसे आपने कहा एक राग मैं जानता हूँ कनकांगी राग है साउथ में, हाँ मेरा बहुत प्रिय राग है, हाँ उसमें दोनों ऋषभ है दोनों धैवत साथ साथ में दोनों आते हैं, दैवत है। हाँ तो वो हम बजाएंगे तो फिर लोग कहेंगे कि उससे अच्छा कर्नाटक की बजाओ भाई, क्यों हिंदुस्तान में बजा रहे हो, है ना, तो वैसे जरूरत भी नहीं है क्योंकि बहुत सारे राग हमारे यहाँ है, जैसे बांसुरी के हिसाब से वाचस्पति, हेमावती, कलावती, हंसध्वनि, जनसम्मोहिनी, नमय मारुतम, बहुत सारे राग है, मतलब हिंदुस्तान में भी राग है, दरबारी, जोग, भैरव, मधुवंती, मुल्तानी, तुरैया जनाश्री, श्री, बांकंश, चंद्रकंस, बागेश्री, अभोगी, बहुत सारे राग है, अमेय बिनावन, ये बहुत सारे राग है, तो मुझे लगता है कि उन तक जाने की जरूरत है। ओके मैं आई जस्ट आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। आई एम एक्चुअली डूइंग एन एक्सपेरिमेंट जो मैं रोज करता हूँ, दैट इज फॉर दिस ईयर मैंने अपने आप को चैलेंज किया है कि 365 डेज 365 रागास बहुत हर ज्यादा है, रोज में। मैं हाँ तो कहता हूँ 1 महीने में एक राग करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बट ये एक्चुअली मैंने एज एन एक्सपेरिमेंट किया है, हालांकि बहुत सारे ऐसे राग हैं जो मैं परफॉर्मेंस के हिसाब से नहीं, जस्ट स्टडी के हिसाब से ले रहा हूँ, एकेडमिकली ओके नो नो परफॉर्मेंस बेस्ड, तो आई हैव बीन डूइंग दैट फॉर द लास्ट, आज आई थिंक टुडे इज द 74th डे, तो 73 डेज के 73 रागास किए हैं उसमें,
तो कुछ कर्नाटकी राग, कुछ हिंदुस्तानी राग, मतलब ऑब्वियसली आई एम नॉट इक्विप्ड कि सिर्फ हिंदुस्तानी राग के 365 करूं। हिंदुस्तानी राग 365 मिलना भी मुश्किल है। वो भी है, दैट इज आल्सो ट्रू। सो नाउ द सेकंड पार्ट आफ्टर मेलकर्ता रागाज इज, आप अगर किसी राग जो हरिजी बहुत किए हैं, गुरुजी मतलब अप्रतिम करते हैं कि ही क्रिएट्स रागाज एंड मेलोडीज ऑन द स्पॉट, वो मतलब वो मैंने ऑब्वियसली ऑब्जर्व किया है और आपने तो उनको साक्षात करते हुए भी देखा होगा, सो उसके बारे में कैन यू स्पीक अ लिटिल अबाउट दैट। एक राग है, राग इंदिरा कल्याण, वो मेरे सामने ही उन्होंने क्रिएट किया था इंदिरा जी को, एज अ होमेज टू इंदिरा जी। तो मेरे सामने ही, और उनका जब इंदिरा जी का मतलब उनके यहाँ जब बजाने गए थे, राजीव जी थे जब उनके वहाँ 29 अक्टूबर या ऐसे कुछ गए थे जब उनका देहांत हुआ था, तो हर साल वहाँ प्रोग्राम होता है जहाँ पीएम रहते थे। तो उस वक्त हम सुबह 9 बजे का प्रोग्राम था, हम सुबह 5 बजे की फ्लाइट लेके दिल्ली पहुँच गए थे। फ्लाइट में वो राग बनाया था मेरे सामने गुरु जी ने कि मेरा ऐसा ऐसा ये कॉम्बिनेशन कैसे रहेगा। तो ये वाचस्पति और अहिर भैरव का कॉम्बिनेशन, अहिर भैरव, हाँ, दो रागों का कॉम्बिनेशन और वो एकदम क्लियरली हाँ। उनके आई थिंक अनिंदो जी वाज देयर ऑन तबला इन दैट, नहीं मदन मिश्रा जी थे। अच्छा, आई थिंक ही हैज प्लेड इट, देयर इज वन मोर, बाद में मैं एक रिकॉर्ड में बजाया था। हाँ हाँ, मतलब वो एक्चुअली स्पेसिफिकली वो उसके लिए तैयार किया था। अच्छा, उन्होंने रिकॉर्ड में भी बजाया है और उसके बाद उन्होंने मियां मल्हार बजाया। आई लिसन टू अ लॉट ऑफ, मैं रिकॉर्ड की बात नहीं, ये मैं जो फर्स्ट परफॉर्मेंस उनका था उसका, द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ इंदिरा कल्याण। आप आपने कोई राग बनाई है? एक्चुअली मैं एक बात बताऊं, राग पहले से होंगे। हाँ, मतलब आपने कोई राग डिस्कवर किए हैं? आई विल चेंज माय लैंग्वेज, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो ऐसा कोई राग जो आपने डिस्कवर की? हाँ, मतलब क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि राग पहले से क्यों होती है, क्योंकि भैरव का ही जो स्केल है उसके साथ 5-6 राग और है, तो उसी स्वर मालिका में उसी थाट में और 5 राग होंगे या तो वैदमश्री के स्केल में और 5-6 राग है, तो मतलब पहले से राग है जो हमको पता नहीं है, क्योंकि गुरुमुखी विद्या की तो वो काफ़ी राग गुप्त हो गए ना। तो मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया था रंग मल्हार, अच्छा, शुद्ध सारंग और मियां मल्हार, ओके, और एक सोनाक्षी भी एक बनाया था। ओके, और अभी कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू प्ले थोड़ा सा उन रागों का छवि, बस हल्का सा। हाँ, अब मैं यही कोशिश करता हूँ कि जो राग हो वो सुबह शाम कभी भी बजाया जा सके। ओह, ब्यूटी। तो अभी मैंने पिछले साल जब माँ जी की, अन्नपूर्णा जी की डेथ हो गई, तो उनके नाम से एक राग बना है, राग माँ अन्नपूर्णा। तो कौन सा बजाओ? तीनों की थोड़ी थोड़ी छवि छवि, सोनाक्षी सबसे पहला है, वो थोड़ा सा कर्नाटक की बसंत या शुद्ध बसंत के पास में है। अच्छा। तो उसका ट्रीटमेंट ऐसा है कि सुबह बजाएंगे तो अगर उसका ट्रीटमेंट है, शाम को अगर उसका ट्रीटमेंट होगा। ओके, ओह।
अभी ये हम राग शाम को बजाएंगे तो उसमें ऋषभ जाएगा वो मारवा प्रोमिनेंट। हाँ मारवा का ऋषभ है, नहीं श्रुति का मारवा का। और सुबह बजाएंगे तो वो भैरव का ऋषभ है, कौन ऋषभ। उसमें ये मैंने मेरे ख्याल से 99 में बनाया था, उसके अभी तक मैंने बंदिश बनाई नहीं है क्योंकि मुझे बंदिश कोई पसंद नहीं आई अभी तक जो बनाई थी। अच्छा दिस इज एक्चुअली जहां आपने जो बनाया आई थिंक इट इज एक्सट्रीमली क्लोज टू अ वेरी सिमिलर लाग शुद्ध बसंत। शुद्ध पसंद वेरी क्लोज बट शुद्ध पसंद ऐसा है सागम। Exactly. मतलब I figured the difference, but it is very close. वाह मतलब ये जो आपने किया कि something very close to शुद्ध बसंत, तो it's so difficult to avoid it, yet आपने उसको इतना power दिया है that the mood changes. Yes. मतलब वही आरोह अवरोह हो सकता है, but अखी मूड की मूड बदल सकती है। हाँ, ये जो आप द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग श्रुतिस, और ये अपेरेंटली वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स है बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ श्रुतिस। बहुत सारे मतलब मैंने जितने भी बहुत सारे म्यूजिशियंस के साथ बात की है, बहुत सारे हैं जो श्रुतिस की कंसेप्ट को समझते नहीं है, और बहुत लोग हैं जो वापरते हैं बट फिर भी समझते नहीं, और बहुत लोग हैं जो इट्स अ कॉन्सेप्ट दैट पीपल मोस्ट प्रोबेबली डोंट अंडरस्टैंड। तो उसके बारे में हम रेगुलर परफॉर्मेंसेस में ये 22 के 22 श्रुतियों का इन इन श्रुतीज डू वी यूज देम, और वो उसका रियाज कोई प्रकार से कर सकते हैं क्या? नहीं वो राग का रियाज ही होता है ना, राग का ही तो रियाज होता है, श्रुतियों का रियाज नहीं होता है क्योंकि श्रुति राग में ही आ जाती है ना, तो राग क्योंकि राग तभी तो प्योर बजेगा या प्योर गाया जाएगा या प्योर समझा जाएगा जो श्रुतियों का मामला सही होगा। पनीर मसाला, पनीर बटर मसाला, पनीर तंदूर मसाला, वो है तो पनीर। हाँ। मतलब वो मसाला तो अलग है ना। दैट इज अ ब्यूटीफुल वे ऑफ पुटिंग इट, बट इसको अभी फॉर अ पर्सन, फॉर अ शेफ जो खाना बनाता है उसके लिए ये कंसेप्ट बहुत इजी है क्योंकि सॉरी ही इज कुकिंग द फूड, तो उसकी उसको वो उसको विद एक हल्का सा वो स्मेल ले ले और उसे वो पता चलता है। सिमिलरली फॉर इनक्रेडिबल म्यूजिशियंस लाइक योरसेल्फ, आपको देखते ही या सुनते ही आपको परसीव होते ही आपको पता है कि ये इस राग में इस श्रुति का उपयोग हुआ है। तो फॉर पीपल लाइक मी हु आर प्रोबेबली लर्निंग, हाउ कैन वी avoid making mistakes and you know changing over to a different raga just because of not understanding the shruti? No, actually jab hum ek raag karte hain na ya sikhte hain to uske sath guru ka ye daitva hota hai, guru has to make sure that he teaches other rags with them. Okay. एक राग सीख मतलब समझो भूपाली भी सिखानी है तो उसके साथ देशकार, जैत कल्याण और भूप कल्याण, शुद्ध कल्याण, पहागी, ये सब साथ में आना चाहिए। भैरव करे तो फिर भैरव के साथ रामकली, तमिंगड़ा, गौरी, गौरी भी सुबह का अलग है, शाम का अलग है, फिर जोगी या बहुत सारे ऐसे राग है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। दरबारे भी कर रहे हैं तो उसके साथ जो आएंगे अगाना आएगा साथ में, मारवा का जौनपुरी सोहनी आएगा, जौनपुरी आसार अलग हो गया। हाँ, वो दरबारी के साथ आप दरबारी दरबारी जौनपुरी स्वर वही है बट वो आंदोलन का फर्क, समय तो रात का है। अच्छा ओके ओके दरबारी अलग हो गया, जौनपुरी अलग हो गया।
और आपने जो अभी तीन राग के नाम लिए, पुरिया, मारवा, सोनी, इसमें अभी भी मुझे कंफ्यूजन होता है और मुझे बहुत डर लगता है। मतलब मारवा तो फिर भी मैं मतलब थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ निभा दूं, अगर मुझे परफॉर्म करना होगा सोनी या पुरिया, आई एम स्टिल अंडर कॉन्फिडेंट, क्योंकि मुझे अभी भी उन दोनों के स्ट्रक्चर में इतना फर्क नहीं समझ में आता जब हम ऊपर ऊपर तार सप्तक की तरफ जाते हैं। बिकॉज सोनी तो है उत्तरांग प्रधान राग, तो वो ऊपर ही चलता है, और जब पुरिया को हम ऊपर लेके जाते हैं तो उसको कैसे हम संभालें? नहीं, वही राग का एक, राग की एक जगह होती है। जैसे अभी जो मारवा है वो ज्यादातर पूर्वांग में बजता है, खरज में उसका वो आता है। मगर ऐसा भी कहा, मैंने सुना है कि मारवा भी उत्तरांग ही गाते थे, ओ इसलिए ओके उसके बाद वादी धेवत समाधि भी शब्द। ओहो पुरिया की वादी गंधा समाधि निशा, तो वो पूर्वांग हो गया। ओके और सोमी तो मध्यम शरीर ऊपर का ही हो गया। हाँ। अभी मेरा एकदम ऐसा था कि जैसे पुरिया तो ये इतना मैं पुरिया संभाल लिया, ये निधन निशानी जो है ना, वो ना पुरिया में जाएगा ना मारवा में जाएगा। अच्छा दैट दैट इज ओके मरा निशा नहीं जाएगा, मार पुरिया में भी नहीं जाएगा, मारवा में भी नहीं जाएगा। इसलिए क्योंकि मरा निशा रे सारे निशा नी मर गमर निशा अच्छा रे सा, कौन सा हो गया? ये वाह हाँ सोनी हो हाँ गया। सोनी यस पुरिया मर रे द मर मर सा मारवा हो गया। वाह थैंक यू सो मच, ये क्लेरिफाई करने के लिए अब याद रहेगा। हाँ, और नाउ आई विल इसमें रिमेम्बर। ये इन सब बातों की ना चिंतन बहुत जरूरी होता है। मैं आप अभी बताया, फिर भी आप हो सकता है 2 दिन में भूल जाएंगे। नहीं, अब नहीं इसके बाद मेरा रियाज का सेशन है, मैं बैठ के रगड़ने वाला हूँ ये तीन उसकी राग चिंतन की बात कर रहा हूँ, वही चिंतन की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब बांसुरी हाथ में नहीं हो तो भी चिंतन बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं ये सब नोट डाउन भी कर रहा हूँ मेंटली एज वेल एज हाथ में पेन है ही है यहाँ। द नेक्स्ट टॉपिक इज जो बांसुरी में विद रिस्पेक्ट टू आर बांसुरी जो है पंचम होल की, और जो आई एम प्रिटी श्योर आपको पता है मैं कहाँ आ रहा हूँ। मध्यम पंचम जो है हमारी बांसुरी की सो कॉल्ड लिमिटेशन है, बट जब आप बजाते हैं या राकेश भैया बजाते हैं या रूपक दादा बजाते हैं या मेरे गुरु जी बजाते हैं तो मुझे वो लिमिटेशन दिखता नहीं है, चाहे वो राग कोई भी हो, केदार हो, यमन हो, भूप हो। तो आप लोगों को बजाते बजाते हम बड़े हुए हैं, सुनते हुए बड़े हुए हैं, सो वो आपके बजाते वक्त वो लिमिटेशन दिखती नहीं है, यहाँ है वो, बट बहुत लोग अभी भी हैं जो वो पंचम का होल यूज करते हैं। नहीं मैंने पहले बोला कि गुरुजी ने जो समझाया बांसुरी को वो किसी ने नहीं समझाया उतना। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ना की लगाना पड़ा ना पंचम का होम करना पड़ा, ना पूरी दुनिया जीत ली उन्होंने। डेफिनेटली सिर्फ छह छह उंगलियों से, छह सुराखों से पूरी दुनिया जीत ली। तो मध्य पंचम का इतना हमको, हमारा ड्रॉबैक है वो पता नहीं चला। मेरे डेफिनेटली हिसाब से ये एंड सिर्फ यहाँ पे है। वो तो है, मतलब वो अभी भी मतलब वो जो माइंड ब्लॉक है उसको निकालने में ही पूरी जिंदगी शायद निकल जाती है बहुत लोगों की, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। पंचम होल जो लोग यूज करते हैं उसके बारे में आपने कभी ऐसे सोचा है कि मुझे एक बार एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? आपने कभी नहीं, एक्सपेरिमेंट मेरे पास किया? भी है। विवेक विवेक ने मुझे, मतलब विवेक पे बोला था ना, तो विवेक ने देखा है वो, मैंने बजाया उस पर रागश्री बजाया था मैंने। अच्छा मेरे पास अभी भी बांसुरी है वो, और ओके एज पर चेंज मुझे अच्छा लगा। एन एक्सपेरिमेंट हाँ, बजा सकते हैं इसमें कुछ, मतलब इसमें वैसे इसमें भी बजा सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। फ्री
उसमें कोई महसूस नहीं होती वाह रे रे रे, क्योंकि हम जब जब तक हम अंदर से गाएंगे नहीं वो सुर जो बजा रहे, तब तक वो कैसे गाएगी। ओके, आई एम जस्ट एसिमिलेटिंग दैट. मैं अभी भी वो फ्रेजेस में घूम रहा हूँ जो आपने बजाया है. तो नाउ आई एम कमिंग टू वन ऑफ माय फेवरेट रागस, दरबारी. और एक ऐसा राग है जो हम बांसुरी वादकों के लिए इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट रागस फॉर ऑब्वियस रीजंस की कोमल धैवत और कोमल गंधार का आंदोलन. तो कोमल गंधार का जो आंदोलन है, फिर भी जैसे आपने आभुगी कन्नड़ा बजाया था, और इट्स अ लिटिल मोर इजियर टू गेट द साउंड आउट फॉर कोमल गंधार फ्रॉम द मध्य सप्तक. बट जो मंद्र सप्तक का कोमल धैवत है, वो पता नहीं रूठा बैठा है, वो बहुत मुश्किल है वो. बट वो ऐसे क्यों है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मैंने इसका जवाब पहले दिया हुआ है। कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू प्ले दरबारी थोड़ा सा थोड़ा सा. भैरव में सब श्रुति आ जाती है, 22 या ज्यादा ही श्रुति है, तो ये दरबार हाँ, की श्रुति भी उसमें आ जाती है। इट्स स्टिल अ लॉट टू प्रोसेस, बट ये ठीक है. मैं थोड़ा सा एक सेकंड लेता हूँ टू. हाँ ठीक है. सो दरबारी, दैट दरबारी वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. आप मुझे जो जो पूछना था वो आपके दरबारी ने जवाब दे दिया उसका. आई एम डायरेक्टली गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द सेशन. सो व्हाट इज द एडवाइस दैट यू हैव फॉर यंग म्यूजिशियंस? यू ऑलरेडी सेड इट, बट डायरेक्टली एज आई एम एंडिंग द सेशन, 6-7 मिनट बाकी है. सो टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, हम यंग फ्लूटिस्ट के लिए व्हाट इज द एडवाइस? टू प्लेसेस, वन इज टेक्निकली, द सेकेंड इज फिलोसॉफिकली. Try to play alap as much as possible, also in concert. क्योंकि डेफिनेटली alap से आधी जंग हम जीत जाते हैं, ऑडियंस का, राग का, साउंड का। उसमें alap में पता चलता है कि साउंड कैसे जा रहा है, राग कैसे जा रहा है, ऑडियंस कैसे रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि आजकल की दुनिया ऐसी है कि सबको यहाँ शांति चाहिए, हाँ यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, तो वो आलाप में ही मिलेगी। ब्यूटी. और क्योंकि राग में इतनी ताकत है कि वो आपको सूद कर सके, कोई भी राग हो। और वो आप अगर आलाप करेंगे तो, क्योंकि आलाप में राग उभरता है, दिखता है, तानों में नहीं दिखता है। तो ब्यूटी प्रैक्टिस भी वही करना है, 80% आलाप प्रैक्टिस में आलाप. और कॉन्सर्ट में 40% का। देखो एक ही का 40 हो जाएगा अपने कॉन्सर्ट में। वाओ, अगेन
the second last question is what is the role of marketing in making a musician? मतलब आजकल के टाइम पे मार्केटिंग ज्यादा चलता है, तो आपका उसमें व्हाट डू यू वांट, समय भी जाता है ना इसमें, समय जाएगा तो फिर रियाज में समय कम हो जाएगा. हाँ, सो वो बैलेंस कैसे मेंटेन कर सकते हैं? बैलेंस तो टाइम मैनेजमेंट खुद को ही होना चाहिए, खुद का कितना समय है वो जरूरी है. मैं नहीं कहता जरूरी नहीं है, आजकल मार्केटिंग भी जरूरी है हर एक चीज का. मतलब आजकल पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है ना हर चीज में, और ये पैंडेमिक के बाद तो और ज्यादा हो गया चेंज, नहीं तो हम ऐसे बात भी नहीं करते थे, डेफिनेटली है ना. तो हर एक चीज का प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है. और मार्केटिंग कहे तो अगर आइडिया अच्छी हो तो मार्केटिंग, प्रोग्रेसिव मार्केटिंग में अच्छा हो सकता है. ब्यूटीफुल, थैंक यू, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. रियाज का समय कम नहीं होना चाहिए, ये मेरा कहना है. रियाज रियाज को कोई दूसरा उपाय नहीं है, रियाज छोड़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है. वाह, ब्यूटीफुल. मार्केटिंग कोई और भी कर सकता हमारे लिए, मगर रियाज को हमको खुद को करना पड़ेगा. ब्रिलियंट, मतलब दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ एडवाइस दैट आई हैव गॉट फ्रॉम अ म्यूजिशियन टिल नाउ, कि मार्केटिंग जरूरी है, वो आपके लिए कोई और भी कर सकता है, बट रियाज तो आपको खुद ही करना है, तो आप रियाज ना छोड़े. सो दिस इज ब्यूटीफुल थिंग. एंड हमको खुद को पता चलता है कि हमको कितना रियाज करना है, सच बात है. मुझे तो बहुत गिल्टी फील होता है कि पहले मैं चार 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 से ज्यादा ही घंटे मतलब दे पाता था, अब मुश्किल से 3 घंटे मिल रहे. आपने बोला कि वो ज्यादा है, तो मैं थोड़ा हम्बल फील कर रहा हूँ, बट मुझे फिर भी नहीं लगता, मुझे एक काइंड ऑफ गिल्ट फील होता है. क्वांटिटी ऑफ रियाज जरूरी नहीं है, क्वालिटी ऑफ रियाज जरूरी है. यस, अग्रीड. तो बहुत सारे बच्चे बहुत कम पढ़ाई करके भी फर्स्ट आते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स. बिल्कुल बिल्कुल. और बहुत सारे बच्चे सारा रात पढ़ते हैं फिर भी नहीं आते. That's, आपने इतने रियल लाइफ एनेक्डोट्स दिए हैं कि ये जितने भी लोग सुन रहे हैं और मजे ले रहे हैं, आई एम श्योर एवरीवन कैन रिलेट टू दैट, इंक्लूडिंग माय सेल्फ. तो द फाइनल क्वेश्चन इज, बहुत क्यूट सा क्वेश्चन है और ये मेरे माँ के तरफ से है, आपका फेवरेट राग कौन सा है? नाम नहीं बताऊंगा. जरूर, प्लीज गो अहेड. हाँ, मेरे हिसाब से यमन पिता है, भैरवी माता है. Absolutely. दो रागों में पूरा मतलब रागदारी पूरी आ गई, सभी राग इसमें आ गए. दो रागों में हिंदुस्तानी संगीत में जो भी राग है सब इसमें आ जाते. वाह, थैंक यू सो मच. ये राग ऐसा है कि हम गलत भी बजाएंगे तो भी गलत नहीं जाएगा. सारे रेगा भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं. This is my dream come true, and ये आपने जो life lessons दिए, मतलब आपने जो आज सिखाया है, आपने literally ये संवाद में आपने सिखाया है, you have taught me a lot of things about life, not only about music, about life. तो ये I'm pretty sure कि ये जितने भी viewers हैं उन्होंने तो लिया ही होगा. मैंने तो I'm definitely going to keep this for my lifetime. एक चीज जो है जो मैं
immediately after this session ends, I'm going to do is Puriya Marwa and Sony, जो मैंने रखा है ताकि मैं अगली बार गलती ना करूं. Marwa Puriya Sony, definitely. Is there anything else that you wish to share with us with regard to music? Music in the sense, सिर्फ बांसुरी नहीं, music. Of course. मैं बांसुरी में रहता हूँ, music भी रहता हूँ. मतलब मैं जब गुरुजी के पास सीखने गया, पिताजी मुझे मेरे लेके गए गुरुजी के पास. गुरुजी ने जो भी भेजा मैंने बजा लिया उस वक्त. तो गुरुजी बोले कि बेटा तुमको तो सब आता है, तुम क्या सीखना चाहते हो? मैंने कहा मैं म्यूजिक संगीत सीखना चाहता हूँ. तो वही कहना है कि संगीत में प्रोफेशन करना भी बहुत अच्छी बात है. सिर्फ यह है कि हम लोगों को मेहनत करनी है. वाह, हेलो, ओके. सो तो मैंने लास्ट क्वेश्चन तो पूछ लिया है, बट मेरे अंदर वो एक है जो मुझे पूछना था कि एक एक इंसान के जीवन में संगीत के बिना तो जीवन किसी का होता नहीं है. मोस्ट पीपल listen to music or they give their ear to music. Do you recommend people should learn music irrespective of whether they want to be a musician or not? Do you think that people should learn music? Of course. I mean, famous writer the marathi mein Pulkit Deshpande, wo kehte the ki har ek insaan ko ek koi hobby honi chahiye, aur wo hobby sangeet hai to bahut acha hai. कोई भी संगीत हो, जरूरी नहीं कि हम शास्त्रीय संगीत ही सुने, हम गजल भी सुन सकते हैं. कोई भी संगीत तो संगीत है, तो जिसमें हमको आनंद आ जाए हमको करना ही चाहिए. तो संगीत के बिना तो अधूरा है ही, क्योंकि हम बात भी करते हैं संगीत में करते हैं ना. जिनको संगीत नहीं आता वो भी जब बात करते हैं तो संगीत में ही करते हैं, क्योंकि आवाज का उतार चढ़ाव तो होता ही है बातों में. थैंक यू सो मच रूपक जी. आप यू हैव ग्रेस्ड दिस ब्यूटिफुल कॉन्वर्जेशन एंड देर इज सो मच स्टिल टू लर्न. एक घंटा तो मतलब मुझे कम लग रहा है. मैं तो आई कैन टेक दिस कॉन्वर्जेशन फॉर अदर टू आवर्स, बट थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम और फॉर टीचिंग अस लाइफ लेसन्स, फॉर टीचिंग अस म्यूजिक and for giving us this valuable knowledge that you've gained over the years. It has been a surreal experience. Matlab ye ek aisa experience hai jo divine hai, ekdam aise lag raha hai ki bhagwan se mulaqat ho gayi hai mujhe. So thank you so much for that. And bas ab, and thanks is there to any Chaitanya, he could arrange this and definitely. Honestly, Chaitanya, if you're listening, thank you so much. And tum ho, isliye mujhe ye bahut pyara mauka mila. So I am completely indebted to Chaitanya for this incredible session that he asked me to conduct. Also, you asked quite a good questions. So that's up to you also. Thanks to you also. Thank you. Thank you so much, sir. And when Chaitanya told me that you'll be interviewing me, so I said, oh, now I have to be... get more prepared for that, because are in kahan prepared. Most of my questions were something that everyone wanted to know. So main actually logon se pooch ke ye question main puchu wo karke maine questions taiyar kiye the, aur bahut sare questions the jo mujhe bhi puchne the. To mere itne sare concepts clear ho gaye technically, philosophically and as well as with respect to life. To I am grateful for conducting this session with you. और ऐसा कुछ भी है जो आप मतलब it's just a formality, but ऐसा कुछ भी है जो आप मुझे पूछना चाहते हैं तो please go ahead. सुबह कितने बजे उठते हो? 6:30. अच्छा, मैं 6:30 उठने के बाद 3 घंटे का रियाज मिलता है? नहीं, मैं रात को रियाज करता हूँ. कितने बजे? Around I come home at around 7 o'clock, so 7 se 9-10 baje tak
और 11 बजे के आसपास लाइव सेशन होता है, तो उसमें थोड़ा बजाना हो जाता है। तो 6:30 के मतलब 5:30 उठ सकते हैं, तो 1 घंटा सुबह का भी धैर्य का रियाज हो सकता है ना। डेफिनेटली डेफिनेटली आई विल कीप दैट इन माइंड। 6:30 का का रियाज, 5:30 कर सकता हूँ। सुबह का रियाज बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मैं सबको कहना चाहता हूँ ओके कि सबको मतलब हमारे संस्कृत में कहते हैं कि ये ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह 4 से 6, तो 4 बजे तक नहीं करूँगा क्योंकि सारा दिन काम करना पड़ता है, मगर 5 बजे भी उठ सकते हैं, 5:30 में 5 बजे तो भी काफ़ी है। डेफिनेटली 1.5 घंटा पहले उठना कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेटली विल ट्राई। थैंक यू सो मच रूपक जी, ये मौका के लिए थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज एडवाइसेस एंड दीज ब्लेसिंग्स। ऐसे ही ब्लेसिंग्स बरसते रहे हम पे। थैंक यू सो मच सर, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट।